और अब बात करेंगे यूपी के हाथरस की। हाथरस में यूपी पुलिस के एक दारोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया है, जिसने एक बार फिर हाथरस पुलिस के दामन पर एक और दाग लगा दिया है। मामला कोतवाली सिकंदरा राव की एक पुलिस चौकी का है, जहां पर तैनात एक दारोगा और हेड कांस्टेबल ने पुलिस सिस्टम पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल इस चौकी के चौकी इंचार्ज को एक व्यक्ति अपना काम करवाने के लिए रिश्वत की पेशकश करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है। काफी देर तक चौकी इंचार्ज और उस व्यक्ति के बीच पैसों के लेन देन को लेकर बात हुई। आपको बता दें कि व्यक्ति पुलिस वाले को 1,500 रुपए देता है और जिसने रिश्वत दी उसका चेहरा तो वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है। आप भी देखिए क्या हो रहा है इस वीडियो में। ठीक है, जाओ के चले जाओ यार, चला गया। ठीक है, अभी दस्तखत कर देंगे। क्या ये कभी पहुंच जाएगा सर? जाओ। हालांकि वीडियो थोड़ा पुराना जरूर बताया जा रहा है और वीडियो के वायरल होने के बाद एसएसपी साहब ने दोनों पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कर दी है। तो इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम अलग अलग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।